हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ क्षमा और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह मेरा चैनल क्षमा शुक्ला। दोस्तों चलिए आज मैं आप लोग को अपनी टेरेस फार्मिंग दिखाती हूँ कि हमारे वहाँ ऊपर में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और हम लोग कैसे कैसे जाते हैं। तो आइए ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को लेके चल रही हूँ अपने ऊपर वाली खेतों में। यहाँ हम लोग वहाँ टेरेस फार्मिंग होती है, तो जो भी खेत वगैरह होते हैं, जो भी किचन गार्डन वगैरह होते हैं, वो सब ऊपर जाना पड़ता है। तो चलिए मैं आज आप लोग को लेके चलती हूँ ऊपर। परम हाँ हाँ, ये फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा एक बनाना जिसका नाम है कदली, और आप लोग को सुन के बहुत ही आश्चर्य होगा। इसमें जो केले होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और यहाँ पे हम उसको कदली कहते हैं। अभी यहाँ पे वो फल हुआ नहीं है क्योंकि अभी ये छोटा है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। बहुत ऊपर जाना पड़ रहा है इसलिए मैं थोड़ा थक जा रही हूँ। और ये है, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो है, ये है इंजी मांगा, हम लोग इसको कहते हैं। ये बिल्कुल देखने में बिल्कुल हल्दी जैसा दिखता है, लेकिन इसको हम लोग इंजी मांगा बोलते हैं। और इसको मतलब निकाल के और हम लोग चटनी बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग चटनी नहीं बोलते, यहाँ पे हम लोग चम्बन्नी बोलते हैं। तो बहुत एकदम मैंगो की जो चटनी, हम लोग कैरी की चटनी बनाते हैं, छोटे छोटे आम की चटनी, ये टेस्ट बिल्कुल सेम वैसे ही लगता है, इसीलिए हम लोग इसको इंजी मांगा बोलते हैं। और आइए हम लोग और ऊपर चलते हैं। इसका लोग मतलब ये जो इंजी मांगा, इसका लोग अचार भी बनाते हैं यहाँ पे। आइए हम लोग और ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलते हैं और मैं आप लोग को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये जो है, इस ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये छोटा छोटा जो है, ये आयुर्वेदिक पौधा है। मतलब यहाँ पे जब कट उठ जाता है या फिर घाव लग जाता है, तो इसका जो है हम लोग पत्ता जो निकाल के और इसको अगर घाव वगैरह पे लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। ये एक आयुर्वेदिक प्लांट है, इसको मतलब कटने वगैरह में भी इसका जूस जो है हम लोग यूज़ करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग आ गए हैं अभी ऊपर, और ये है हमारा ये खेती। यहाँ पे सब ये कोकोनट और ये पेपर कोकोनट, ये सब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये हमारे लोग का ऊपर का ये खेती है। यहाँ पे हम लोग और भी ऊपर जा सकते हैं, ये सब टेरेस फार्मिंग है। ये सब देखिए फ्रेंड्स, ये व्यू देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम लोग अकेले नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड पिक जो होता है, यहाँ पे इसको काटपन्नी भी बोलते हैं, तो उसका डर ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ अकेले नहीं आते हैं, पूरे साथ में ही आएंगे, झुंड वगैरह में ही आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अभी ऊपर में और भी ज़्यादा ऊपर हम लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को मेरी ये खेती कैसी लगी। यहाँ ये है ड्रम स्टिक, यहाँ पे इसको ये देख पा रहे हैं आप लोग, अभी उसमें लीफ मतलब बहुत अच्छे से नहीं आई है, और आई भी थी तो हम लोग ने क्या किया, इसका लीफ तोड़ के इसका हम लोग ग्रीन्स बनाते हैं, मीन साग बनाते हैं, और बहुत ही फ़ायदा होता है आँख के लिए, हमारे बहुत ही फ़ायदा होता है इससे, साग खाने से। तो यहाँ पे इसको लोग मुर्गकाई बोलते हैं, हम लोग हिंदी में सैजन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ड्रम स्टिक बोलते हैं। तो ये है मेरे किचन गार्डन का ड्रम स्टिक। ये फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ी ऊपर और जाएंगे। ये देखिए, इधर से रास्ता है, मैं अभी आप लोग को चल के दिखाती हूँ। देखिए, ये हम लोग और ऊपर चढ़ेंगे, जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे मैं तो पूरी हाँफने लगी। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा टेरेस फार्मिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा एक साग, इसको हम लोग इंग्लिश शीरा भी बोलते हैं, यहाँ पे लोग इसको साग बनाने में यूज़ करते हैं। और ये हमारा जो कटहल है, वो अब इसमें फल बड़ा हो गया है, अब हम लोग इसमें चाहे तो सब्जी वगैरह तोड़ के बना सकते हैं। इस बार ये जल्दी ही हो गया है इस सीज़न में।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बहुत अच्छे से पक गया है, बहुत अच्छे से पक गया है। ये हम लोग इसको तोड़ लेंगे, नहीं तो कुछ दिनों के बाद यहाँ पे बंदर एक भी ये रहने नहीं देंगे, इसको सारा तोड़ के लेते जाएंगे। तो उससे पहले हम लोग इसको तोड़ के रख लेंगे और ये अपना धीरे धीरे पकता रहेगा और हम लोग इसको सेव कर लेंगे। तो आप लोग देखें फ्रेंड्स, ये मेरे घर का फल है और बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो आज ये पूरा तोड़ लिया जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसका वीडियो बना लें। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ का एक फेमस मिर्चा है जो बहुत ही तीता होता है, बहुत ही स्पाइसी होता है। इसको यहाँ पे कांधाली मोड़ग कहते हैं, मिर्ची को यहाँ पे मोड़ग कहते हैं। बहुत ही तीता होता है, बहुत ही तीता होता है। और इसमें ये लोग जो इनको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होती है वो ये लोग मिर्चा काफ़ी यूज़ करते हैं, मीन्स कोलेस्ट्रॉल में ये काफ़ी हेल्प करता है। ये मिर्चा बहुत ही स्पाइसी होता है। फ्रेंड्स, अब ये हमारा नारियल आज पूरा आ गया है, तोड़ के आ गया है नारियल। इस सब ये नारियल का मतलब बहुत अच्छे से नहीं आया है क्योंकि बारिश इस साल बहुत ज़्यादा हुई है। तो अभी ये हमारा मतलब आधा नारियल ही आया है, आधा अभी आना बाकी है। तो ये हम लोग वहाँ इधर नारियल मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सब्ज़ी वगैरह में, करी तोरण ये सब बनाने में नारियल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए हमारे वहाँ नारियल वगैरह पूरा स्टॉक रखा जाता है। देखिए जाएंगे ये हम लोग नीचे, अब जा रहे हैं धीरे धीरे नीचे। हमारा जो है वो सब घर वगैरह है और यहाँ पे हम लोग ऊपर में हैं ये। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करिए कि अगर मैं कोई नई वीडियो बनाती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।